एक नया कंबल ये हुआ है कि अपनी हार्ले का साइलेंसर निकल गया और रोड पर गिर गया और मुझे आना पड़ा लगभग 2 किलोमीटर पीछे। और अभी ये अपन इंडियन जुगाड़ बना रहे हैं साइलेंसर के लिए, तो जैकेट को हमने गीला करके निचोड़ लिया है अच्छे से और अभी ये लगभग 3 घंटे मेरा साथ दे देगी। गुड मॉर्निंग, तो आज है हमारी एक्सट्रीम समर राइड जिसपे आपका भाई निकल रहा है आज सोलो और सुबह के बज रहे हैं 4:30 और मैं हो रहा हूँ गियर अप। तो जैसा आप लोगों को पता है आज की राइड है मुनाबाव की और बहुत एक्सट्रीम राइड होने वाली है क्योंकि ये है एक्सट्रीम समर राइड। तो अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और सी ऑफ करने के लिए कुछ बाइकर्स, कुछ मेरे दोस्त, कुछ हॉक्स आ रहे हैं, तो देखते हैं कैसी जर्नी रहती है। लोग सुबह के बज चुके हैं 5:30 और वी आर ऑल सेट टू गो और अभी हम लोग हैं हाईवे किंग पर। सामने हैं अनूप भाई, प्रवीण भाई, जिमी भाई और ये हमारे रितेश भाई और वेट कर रहे हैं हम सोहेल भाई के आने का। तो फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग किशनगढ़ CCD क्योंकि ये लोग मुझे सी ऑफ करने आए हैं और मैं निकल रहा हूँ अभी सोलो राइड पे, तो बहुत धांसू वाली राइड होने वाली है और पूरा फन होगा, पूरा एडवेंचर देखने मिलेगा। तो चलते हैं अभी और निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तैयारी हो गई है यहाँ से निकलने की। अभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे हम लोग और धूप लगभग चढ़ना चालू हो गई है, तो भाई लोगों से मैं यहाँ से विदा लेता हूँ और अब रुक करेंगे अपन मुनाबाव के लिए। तो यहाँ कुछ छोटी सी हमने तैयारी करी है, तो यहाँ है अपनी डिहाइड्रेशन जैकेट जिसको मैंने ऑलरेडी गीला कर लिया था। तो जैकेट को हमने गीला करके निचोड़ लिया है अच्छे से और अभी ये लगभग 3 घंटे मेरा साथ दे देगी और अब निकला जाएगा अपना कहाँ पे, मुनाबाव के लिए। तो पहला रूट रहेगा अपना अजमेर, जहाँ पे अपन मिलेंगे हरजीत भाई से और मेरी बाइक में अभी एयर प्रेशर कम है तो पहले अपन नाइट्रोजन भरवाएंगे उसमें ताकि टायर्स अपने कूल रहें क्योंकि रोड्स बहुत ज़्यादा गर्म होंगी मुनाबाव की। तो अपन पहले ही वो प्रिपरेशन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस स्टेशन बहुत कम है और अभी निकलने की तैयारी है। तो यहाँ पे एक नया कंबल ये हुआ है कि अपनी हार्ले का साइलेंसर निकल गया और रोड पर गिर गया और मुझे आना पड़ा लगभग 2 किलोमीटर पीछे। और अभी ये अपन इंडियन जुगाड़ बना रहे हैं साइलेंसर के लिए। मुझे पता है जुगाड़ है बट अभी जुगाड़ से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास में। ये देखिए, ये तो एक भाई मुझे मिल गए यहाँ पर, इन्होंने हेल्प कर दी है। ये उल्टा लग गया ऐसा। टाइट कर दो।
तो ये हार्ले में वाइब्रेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और वाइब्रेशन के कारण इसकी पत्ती टूट गई और एग्जॉस्ट निकल गया बाहर। और अगर देखेंगे आप हाईवे पे खड़ा हूँ, हाईवे पर बहुत कम लोग हैं। ये भाई हैं जिन्होंने हेल्प करी है इसमें। राजस्थान और यहाँ है राजस्थान के लोग ऐसे जो कि बहुत सपोर्टिव हैं। अभी जुगाड़ तो किया है अपन, चलते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कितना एक्सट्रीम होने वाला है।